पलामू के प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के GLA कॉलेज के JN दीक्षित छात्रावास परिसर में हर्षोल्लास पूर्वक कर्मा पर्व मनाया गया। पलामू प्रमंडलीय आदिवासी छात्र संघ ने कर्मा पूजा महोत्सव का आयोजन किया। महोत्सव के मुख्य अतिथि GS कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राणा प्रताप सिंह थे। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष ने कर्मा पर्व को प्राकृतिक से जुड़ा त्यौहार बताया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक पर्व झारखंड की पहचान है, यह पर्व पूरी मानव जाति का है। यह पर्व प्रकृति से प्रेम करते हुए उसकी रक्षा करने का संदेश देता है। संघ के लोगों ने अतिथियों का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया। पलामू प्रमंडलीय आदिवासी छात्र संघ ने कर्मा पूजा महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया। इस अवसर पर GL कॉलेज स्थित JN दीक्षित छात्रावास के पास अखरा में महोत्सव का आयोजन हुआ। आदिवासी छात्र छात्राओं ने कर्मा पर्व पर अखरा को आकर्षण ढंग से सजाया था। आदिवासी युवकों ने पारंपरिक तरीके से कर्मा की डाली लाकर अखरा में स्थापित किया। इसके बाद कर्मा व्रत करने वाली आदिवासी युवतियों ने अखरा में पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की। पाहन इंद्रदेव उराव ने विधिवत पूजा अर्चना अनुष्ठान संपन्न कराया। इसके बाद आदिवासी युवक युवतियों ने मांदर की थाप पर थिरकते हुए कर्मा पर्व से जुड़े गीत गाए। पलामू से सैकत चटर्जी की रिपोर्ट। कर्म देवता की पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रमाणिक इतिहास, कहानी, कथा, संस्कृति, परंपरा जुड़ी हुई है। यो कहें हड़प्पा संस्कृति मोहनजोदड़ो से चलकर जब हमारे आदिवासी रोहतासगढ़ के एरिया में पहुंचे और वहां निवास करने लगे और धीरे धीरे वहां आदिवासियों की जमा बढ़ती गई और वहां कर्मा और धर्मा नामक दो व्यक्ति सातों भाइयों में से बहुत ही कर्मठ एवं धैर्य के साथ व्यापार किया करते थे और उनके द्वारा पता चलता है कि हमारे रोहतासगढ़ के किले में जहां कुरु राजा थे वहां आक्रमण होने वाला है और इसलिए व्यापार के क्रम में वे चले आते हैं कुरु राजा के पास रोहतासगढ़ के किले में और बताते हैं कि हमारे इस कुरु प्रदेश में आक्रमण होने वाला है, बाहरी आक्रमण होने वाला है और इसीलिए इसे बचाना है। तब राजा ने बहुत सारे जो वहां के पंच परगना मुखिया थे सारे लोगों को बुला करके ये निर्णय लेते हैं कि कैसे इसे बचा जाए और इसके बाद सभी लोगों को सभी समाज सात समानों के साथ खाने पीने और जो भी सुविधाएं देना है, विशेषकर हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चों को, स्त्रियों को, युवतियों को बचाने के लिए सोन नदी के किनारे एक गुफा में उनको ले जाते हैं और वही बहुत बड़ा कर्म का पेड़ हुआ करता था जहां सारे लोगों को रखा गया। सात दिन और सात रात आक्रमण के बाद जब वे खोजने आते हैं हमारे छिपाए गए इन युवतियों को, महिलाओं को, नन्हे बच्चों को, तो सुरक्षित पाते हैं और यही इतिहास वहां शुरुआत होती है कि किस प्रकार से हमारे पूर्वजों को, हमारे बच्चों को, हमारे स्त्रियों को वो कर्म देवता बचाते हैं। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।